नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। संयुक्त राष्ट्र में उठाएंगी उरी हमले का मुद्दा। आज शाम 7:30 बजे सभा को संबोधित करेंगी सुषमा। बांग्लादेश ने भारत और म्यांमार से लगती सीमा पर कंटीले तार लगाने का किया फैसला। भारत से बांग्लादेश की 4,096 किलोमीटर लंबी सीमा तीन तरफ से मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगठन का दावा, आतंकी संगठन आईएसएस को मिली करारी चोट। अमेरिका और सहयोगी राष्ट्रों के युद्ध विमानों ने आईएसएस की 100 से अधिक नौकाएं की नष्ट। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा में अमेरिका ने रूस पर सीरिया में की जा रही कार्रवाई के बारे में गलत जानकारी देने का लगाया आरोप। सीरिया में रूस की कार्रवाई को बताया बर्बरता। सीरिया में 150 से ज्यादा हवाई हमले कर चुका है रूस। अफगानिस्तान में अफगान और नाटो बलों के हवाई हमले में मारा गया तालिबान का शीर्ष कमांडर आजम खान तारिक। 10 आतंकवादियों को किया ढेर, तहरीके तालिबान ने की पुष्टि। नाइजीरिया में सेना ने बोको हरम के 22 आतंकवादियों को किया ढेर, 4 जवानों की भी मौत, 2 लोग जख्मी। आतंकवादियों के पास से AK-47 सहित हैंड ग्रेनेड बरामद। तो ये थे अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।